Hi, this is Sanjeev from Sanjeev FinTech. Welcome all once again to Sanjeev FinTech. Friends, I have a stock. The name of stock is PNB Gilt. PSU sector का बहुत अच्छा company है जो subsidiary of Punjab National Bank का. इसका buying view दे रहा है. इसका chart pattern बहुत अच्छा लग रहा है. उसी हिसाब से हम आपको इसके बारे में idea देने का कोशिश कर रहे हैं. पहले सबको request करेंगे, if you like my video, then please do subscribe my channel. कुछ भी बोलना होगा तो कमेंट करके बताइएगा. सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना जो व्यूज़ है वो मेरे साथ शेयर करिएगा एज यूजुअल. एंड मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर मेरा वीडियोस को शेयर करने के लिए बोल दीजिएगा. फ्रेंड्स टुडे इज़ 9 दिसंबर 2022. स्टॉक नेम इज़ PNB गिल्ड्स, दिख रहा है सर यहाँ पे आपको. And current market price is 64, stop loss is 60 and target will be 73 and 90, up to 1 month के अंदर आ सकता है. क्या हिसाब से दे रहा है उसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा. PSU सेक्टर बहुत अच्छा इस लास्ट 1 month में बढ़ा है, आज से लेके 1-1.5 महीना में बहुत अच्छा बढ़ा है. जो चीज़ हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, फर्स्ट आई गो थ्रू द स्टॉप लॉस एंड ऑल दिस थिंग्स. मेरे को लगता है कि इसी लेवल के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है. हम और थोड़ा सस्टेनेबिलिटी के लिए इसी लेवल पे दे दिया, इसी लेवल के नीचे शेयर जाना नहीं चाहिए. एंड माय टारगेट विल बी फर्स्ट टारगेट विल बी दैट 73, ओके. एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी दैट लेवल के, इसी लेवल के आसपास मेरे को नेक्स्ट टारगेट हो सकता है. ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा ब्लू कलर कर देते हैं आपको समझने के लिए. लगभग मेरे को लगता है कि ये शेयर के अंदर आपका इसी जगह से ऑलमोस्ट दिखा जाएगा तो कितना परसेंट का, यहाँ से ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड या 40% का, व्हाट एवर द मे बी द लाइक 40% इज क्वाइट एनफ बिग, इसका आ सकता है. 64 रुपया है, बोलते बोलते अभी 64 रुपया 50 पैसा हो गया, तो वी कैन सी द मूव बेसिकली. तो मेरे हिसाब से आप इसमें बाइंग व्यू बना के चल सकते हैं. चार्ट का एक छोटा पैटर्न दिखाएंगे तो देखिए, छोटा पैटर्न में दीज आर द ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न, ओके. एंड इसका थोड़ा बड़ा वाला चार्ट में देखेंगे तो एक राउंडिंग थोड़ा बॉटम बना के, और इसका आप कप एंड हैंडल का छोटा साइज में करेंगे तो वो भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. मेरे को देने का पीछे में जो और 2-3 कारण हैं वो एक बार देख लीजिए. फ्रेंड्स लास्ट टाइम शेयर इसी लेवल से कंसोलिडेट करके ए लेवल तक गया था. थोड़ा सा इसको हटा दे रहा है तो आपको देखने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. हाँ एक सेकंड. तो इसी लेवल से बहुत अच्छा मूव आया था एंड इसका जो रेंज चल रहा था ना उसी हिसाब से देखिए इसी रेंज के अंदर चल रहा था. तो मान के चलिए ये रेंज क्या है ना, फिर ऐसा उठ के ऐसा आ सकता है, ये मेरा मानना है इसी के आसपास 75. जो थोड़ा लंबा पेशेंस रखता है रख सकता है वो इतना तक भी जा सकता है. क्यों जा सकता है, बिकॉज इसका लेवल से ये जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाया. जिस हिसाब से PSU कंपनी में या PSU में जिस हिसाब से मोमेंटम अभी दिख रहा है तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि ये सब शेयर में बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी रिसेंट का दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकता है. इसका 200 DMA अगर अनलॉक करेंगे तो क्लियरली यू कैन सी द रेड लाइन इज फॉर 200 DMA एंड इसका क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है आज के दिन के अंदर. तो उसी हिसाब से मेरे को भी यहाँ पे और एक एडिट फ्लेवर मिल गया. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, अगर इसका RSI बेस देखेंगे तो RSI इज ए बहुत बहुत इंटेंसिव काइंड ऑफ अप मूव आ रहा है. एंड RSI को अगर थोड़ा ड्रॉ करना चाहेंगे तो RSI में भी वन टाइप ऑफ ब्रेकआउट यह हो रहा है. ये राउंडिंग बटन बना के यही लेवल के 60 के लेवल पे अभी होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. तो अगर RSI इस टाइप का स्ट्रेंथ दिखाता है, कंसोलिडेट करता है, अगर RSI में भी एक कॉप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होता है तो दैट विल ऑल्सो इंडिकेट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस आपका ये ऊपर में और ज़्यादा जा सकता है. थोड़ा इसका वॉल्यूम को थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ से क्लियरली विजिबिलिटी आ जाएगा. एक सेकंड, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको.
वॉल्यूम इसमें ज़्यादा होता नहीं है, उसी हिसाब से वॉल्यूम इतना मायने भी नहीं रखता है, लेकिन इसी के आसपास इसका बहुत अच्छा वॉल्यूम बना था। और जो लोग वहाँ पे बाई किया था, मेरे को लगता है कि यहाँ पे सेल भी किया है। एंड फिर ये जो जहाँ पे एंट्री किए थे वो फिर यहाँ से एक्टिव हो सकता है, उसी हिसाब से शेयर यहाँ से इतना तक इसका मूव हो सकता है, ये मेरे को लगता है। एंड ये कई बार 80-90% केसेस में ये होता रहता है। फ्रेंड्स, अभी पीएसयू बैंक में और एक चार मतलब पीएसयू में पीएनबी का थोड़ा सा चार्ट दिखाने का कोशिश करेंगे, जो मेरे को लगता है कि पीएसयू में अगर इस किसी का चार्ट दिखाने का कोशिश करेंगे तो उसमें मेरे को लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ सकता है। तो अभी हम सीधा चला आएंगे पीएनबी का चार्ट में, क्योंकि इसका सब्सिडियरी कंपनी है, उसी हिसाब से इसको थोड़ा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर पीएनबी का अगर चार्ट में आएंगे आप देखेंगे कि देयर इज़ अ ह्यूज मोमेंटम, ना दिख रहा है ना आपको, 200 डीएमए के क्रॉस करने के बाद शेयर यहाँ से इतना पहुँच गया, मतलब लगभग लगभग आपका इसी हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ से कितना परसेंट, 50% के करीब या 59% के आसपास बढ़ा है। तो मेरे को लगता है कि उसी हिसाब से पीएनबी का जो फ्लेवर है ना, बिकॉज दीज आर द सब्सिडरी कंपनी ऑफ पीएनबी ना, पीएनबी गिल्स इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, तो उसका फ्लेवर यहाँ पे आएगा। तो उसी हिसाब से मैंने आपको ए लॉजिकल एंड टेक्निकल बाइंग व्यू दिए हैं। मेरा कंसेप्ट व्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ भी बोलना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूरा नॉलेज लीजिएगा, उसके बाद आप बाइंग करने के बारे में सोचेंगे। बिफोर बाइंग और एडिंग द स्टॉक यू मस्ट कंसल्ट ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और आपका रिस्क एपेटाइट, आप कैसे अपना रिस्क मैनेज करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उसी हिसाब से वो सब रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, रिस्क टॉलरेंस जो क्षमता है वो भी विचार करके स्टॉक मार्केट में आइएगा। फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माई साइड, अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है मेरा कंसेप्ट। प्रीवियसली जो वीडियोस दिए हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसा मेरा परफॉर्मेंस रहता है। हम नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन आपका हिसाब, आप जो बताएंगे वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का तारीफ खुद करना तो मतलब हम करते ही नहीं है। तो प्लीज़ आप पुराना वीडियोज़ देखिए, उसमें क्या तरीके का रिपोर्ट आते हैं आप खुद मेरे को जज करिए, उसके बाद अगर सही लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग संजीव फिनटेक, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियोस को आप एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से लीजिएगा। इफ़ एनीथिंग यू वर्क्स मी, प्लीज़ डू कॉल, डू कमेंट और डू व्हाट्सअप मी, सब नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।